बारहवीं लापरवाही पर सीएम योगी सख्त। सीएम योगी ने अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। चौदह जुलाई को भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। समिति की बैठक में होंगे कई राजनीतिक प्रस्ताव। बसों की परमिट की ताबड़ तोड़ चेकिंग जारी। बसों का निरीक्षण करने पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर। नीट यूजी पेपर का सरगना हुआ गिरफ्तार। सरगना को सीबीआई ने बिहार से दबोचा। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत। केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत। प्राइम टीवी में हूं आपके साथ आरती तिवारी। केजरीवाल को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है केजरीवाल को। आपको बता दें कि अंतरिम जमानत केजरीवाल को मिल गई है। जहां केजरीवाल को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है केजरीवाल की अर्जी पर यह फैसला सुनाया गया है, तो वही बड़ी राहत केजरीवाल को मिली है। वही लगातार केजरीवाल को राहत की उम्मीद थी, तो वही सुप्रीम कोर्ट को ईडी से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। ज्यादा अपडेट के साथ मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, जिस प्रकार से जिस राहत की उम्मीद थी केजरीवाल को, वो आज सुप्रीम कोर्ट से मिलती हुई नजर आई। जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, क्योंकि जिस तरीके से 9 अप्रैल को जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद 15 अप्रैल को केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दायर किया गया था, यानी इस गिरफ्तारी को लेकर को जो है अवैध बताया था। और फिलहाल 15 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूरी रिपोर्ट मांगी थी, रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से जब रिपोर्ट पहुंची है, तो उसके बाद हाईकोर्ट ने जिस तरीके से इस गिरफ्तारी को सही बताया था, क्योंकि साफ तौर से इसमें कहा था कि जिस तरह से ईडी पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को कई बार बुला रही थी, लेकिन वो नहीं पहुंच रहे थे, जिसके बाद ये गिरफ्तारी करना लाजमी था और गिरफ्तारी पूरी तरीके से सही है। लेकिन इस मामले को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा था, तो मामला पहुंचने के बाद 9 जुलाई की अगर बात किया, तो 9 जुलाई को भी 90 पन्नों की जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई है ईडी के द्वारा। इस मामले में साफ तौर से ये बताया गया है कि जिस तरीके से शराब नीति जो घोटाला था, उस घोटाले में जो मुख्य आरोपी की अगर बात की जाए, तो उसमें केजरीवाल को दिखाया गया। इसके साथ ही जो साजिशकर्ता की बात की जाए, लगातार लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो मिल गई है, ये कौन सा मामला है जिसमें जमानत मिली है और वो जेल से भी बाहर आ पाएंगे या नहीं। देखिए, फिलहाल जिस तरीके से शराब नीति घोटाले को मामले को लेकर के अगर बात किया है, क्योंकि शराब नीति जो घोटाला है, उस मामले को लेकर के पहले जो सिसोदिया को, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उनसे लगातार जो पूछताछ हो रही थी, पूछताछ के बाद कई जो खुलासे के दावे किए गए थे, उसके बाद जो आपके जो सांसद है संजय सिंह, उनको गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह फिलहाल जमानत पे बाहर आ गए थे, लेकिन उसी के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। और गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से उनको जेल में रखा गया था, चुनाव के दौरान उन्हें कुछ दिन की जो है जमानत मिली थी, लेकिन जमानत के बाद ही उसको एक बार फिर से उनको तिहाड़ जेल में रखा गया था। लेकिन इस मामले की अगर बात की जाए 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई भी हो रही थी। और इसी मामले में ईडी से जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट भी तलब की थी। रिपोर्ट तलब करने के बाद इस मामले में साफ तौर से जो हाईकोर्ट की अगर बात की जाए, तो हाईकोर्ट ने इस मामले में जो गिरफ्तारी को सही बताया था। फिलहाल अब जो जमानत की अगर बात किया है, जमानत तो फिलहाल मिल गई है। जमानत के बाद अभी ये कितने दिनों में बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद क्या कुछ रणनीतियां तय होंगी, उन रणनीतियों के तहत तो आगे के क्या कुछ काम होंगे, ये देखने वाली बात होंगी। जिस प्रकार से ईडी के मामले में उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिली, अंतरिम राहत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, लेकिन अभी जो सीबीआई का मामला है वो कलीम पेंडिंग है, उसको लेकर यानी कि अभी केजरीवाल बाहर निकल पाएंगे या नहीं, इसको लेकर आम आदमी पार्टी इस राहत को कैसे देखती है।
देखिए फिलहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए, क्योंकि इससे पहले जो जमानत के लिए जो जो एक याचिका दायर की गई थी, उस याचिका तो फिलहाल खारिज कर दिया गया था। लेकिन खारिज करने के बाद जिस तरीके से निराशा हाथ लगी थी, लेकिन अब एक बार फिर से जब इस याचिका पर जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत तो दे दी है। लेकिन जमानत की अगर बात की जाए, 9 जुलाई को जो एक 90 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की है ईडी के द्वारा, ईडी में जो मुख्य आरोपी की अगर बात की जाए, तो मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले का बताया गया है। लेकिन अगर बात की जाए सीबीआई जांच की, तो सीबीआई जांच की अभी जो रिपोर्ट है वो अभी जांच चल रही है। जांच के बाद क्या कुछ उसमें तथ्य सामने आ रहे हैं, सीबीआई अपनी क्या कुछ रिपोर्ट सौंप रही है, तो वो एक देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ईडी की अगर बात किया तो ईडी के मामले में अभी फिलहाल जमानत मिल चुकी है। जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद कलीम। तो वहीं केजरीवाल को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी जेल से बाहर आएंगे या नहीं इसको लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ केसी कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता है। जिस प्रकार से केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है, इस राहत को कैसे देखे जाए केसी जी? देखिए इसको इस तरह समझिए, हर क्रिमिनल केस अलग होता है। यदि आपको किसी इंडिविजुअल को एक मैटर में एफआईआर लॉज हुई है या केस चल रहा है जी, उसमें उसको जमानत किसी भी कोर्ट से नहीं मिली है जी, और दूसरे कोर्ट से जमानत मिल जाती है, तो जब तक हर केस में आपको जमानत नहीं मिलती है जी, तब तक आप बाहर नहीं आ सकते। जिस प्रकार से ईडी के मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है, लेकिन जो सीबीआई का मामला है वो अभी भी पेंडिंग है। मेरा मानना है कि चूंकि वो सेम तरह के केसेस हैं, यदि उनको ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट की जमानत मिल गई है जी, उस ऑर्डर को लगाते हुए सीबीआई कोर्ट में जाएंगे, तो उनको वहाँ भी रिलीफ मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, तो मेरा तजुर्बा कहता है। जिस प्रकार से हमारे दर्शकों को आप ये बता दीजिए, क्या केजरीवाल अभी बाहर आ पाएंगे या फिर नहीं? देखिए केजरीवाल को यदि उनके पास दो मुकदमे हैं, एक मुकदमे में उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, और दूसरी कोर्ट से भी जब तक राहत नहीं मिलती तब तक वो बाहर नहीं आ पाएंगे, ये लॉ बड़ा क्लियर है। जी तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।